हेलो एवरीवन माय नेम इज मधुसूदन शर्मा और मैं लेकर के आया हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज जिसमें हम हर रोज किसी एक टॉपिक पे यूपीएससी में पिछले 12 सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको डिस्कस करते हैं अभी हम के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं पिछले वीडियो में हम रियम्बल और शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर चुके हैं आज के वीडियो में हम

वो अधिकार सबसे पहली चीज तो किसका होता है क्या ये इंडिविजुअल का होता है या स्टेट का होता है ऑब्वियसली राइट्स सिटीजन के होते हैं स्टेट के नहीं होते हैं ओके okay. सो so, जो राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट जो कि पहले ऑप्शन में दिया हुआ है ये तो ऐसे ही गलत हो गया दीज आर क्लेम्स ऑफ देन क्लेम और प्रिविलेज के बीच में थोड़ा सा अंतर है प्रिविलेज का मतलब होता है हिंदी में विशेषाधिकार जो कि किसी कुछ लोगों को मिलते हैं जैसे कुछ लोगों को प्रिविलेज मिलेगा कि वो बालकनी सीट से इंडिया के वर्ल्ड कप मैचेस देख सकें बट राइट्स कुछ लोगों को नहीं मिलते हैं राइट सबको मिलता है जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये सबके पास है ओके सो राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन नॉट द प्रिवेजेज सो बी ऑप्शन जिसमें प्रिविलेज की बात की गई है डी ऑप्शन जिसमें प्रिविलेज की बात की गई है वो रूल आउट हो जाएगा और द करेक्ट आंसर इज सी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एग्जाम सिनेरियो में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप किसी भी एक राइट right का उदाहरण ले लें यू कैन थिंक ऑफ लाइक राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी और उसके बाद आप चारों ए बी सी डी पे आप उसको टेस्ट करें क्या अनटचेबिलिटी आर ए क्लेम ऑफ द स्टेट अगेंस्ट सिटीजंस है नहीं डेफिनेटली नॉट अनटचेबिलिटी तो सिटीजन फेस करेंगे ना और वो स्टेट के अगेंस्ट क्लेम करेंगे कि स्टेट अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिसेस नहीं कर सकता है क्या ये एक प्रिविलेज है नो इट्स नॉट अ प्रिविलेज इट्स अदर ए राइट सो बी एंड डी आर आल्सो रूल्ड आउट सी इज द राइट ऑप्शन तो इस एंगल से भी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिनेरियो की बात करता है

रिलेट uh, कर सकते हैं कि इट्स एन सकतेजनेबल पावर इट्स एन पावर एंड इफ इट्स एन और पावर इट इज वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ लॉ किसका पार्ट है राइट टू इक्वलिटी का जो कि आर्टिकल चौदह के अंदर दिया गया है सो so, ये रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है मतलब आर्टिकल फोर्टीन का वायलेशन है तो वहां से हमारा आंसर आ गया आर्टिकल फोर्टीन यहाँ पे चीज इंपॉर्टेंट है कि रूल ऑफ लॉ पे डिटेल्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि रूल ऑफ लॉ के क्या क्या पार्ट हैं कौन से पार्ट हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो वो आप डेफिनेटली जाकर के डिटेल में पढ़ लें नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस साल ही 2023 में आया है और ये काफी टाइम बाद यूपीएससी ने वापस से रीजन टाइप के क्वेश्चन पूछने शुरू किए हैं इस टाइप के क्वेश्चन में एक अच्छी बात यह होती है कि अगर इन दो स्टेटमेंट में से कोई सा भी स्टेटमेंट हमें पता चल जाए कि यह स्टेटमेंट गलत है तो हमारा आंसर वही आ जाता है या डी में से और काफी सारे क्वेश्चन में यही था कि दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट गलत था तो आपको इस चीज इस डिबेट में पढ़ना ही नहीं है कि वेदर इट इज ए करेक्ट एक्सप्लेन और नॉट और इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है तो लेट्स लुक एट दीज टू स्टेटमेंट्स पहला स्टेटमेंट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ जजमेंट में रिजर्वेशन के बारे में ये बोला है कि जो रिजर्वेशन 164 में दिया जाएगा वो आर्टिकल थ्री थर्टी फाइव के अंदर जो एफिशिएंसी मेंटेन करने की बात है उससे लिमिटेड होगा ठीक है कॉमन सेंस से भी ये बात सही लगती है कि रिजर्वेशन में एक लिमिट है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोज की है सुप्रीम कोर्ट ने

कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिनका की डेफिनेशन नहीं है जैसे कि अभी जिसका मैंने यूज किया था अनटचेबिलिटी इट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड माइनॉरिटी इट इज ऑल्सो डिफाइंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इट इज नॉट डिफाइंड सो आपको जब भी आप कोई ऐसा वर्ड पढ़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन में है तो आपको इस चीज को जरूर जाके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देखना चाहिए कि वो डिफाइंड है कि नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन ने पूछे हैं कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन सिंपली चूंकि सेकेंड स्टेटमेंट गलत है हमारा आंसर आ गया आंसर वुड बी सी स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इन करेक्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी देता है तो अगर हमने सिंपली सारे फंडामेंटल राइट right याद कर लिए आर्टिकल नंबर्स तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा तो दैट वाई आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल फोर फोर्टी एट आर्टिकल जो है वो हमें याद नहीं करने हैं लेकिन जो पार्ट थ्री के आर्टिकल्स हैं वो तो हमें याद होने ही चाहिए और इसी में अगर आप सिंपली अगर ये याद कर लें कि राइट टू इक्वेलिटी में कौन कौन से आर्टिकल हैं तो आपको आंसर आ जाएगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनबिलिटी जो कि आर्टिकल 17 में है आप याद कर सकते हैं कि राइट टू इक्वलिटी 14 टू 18 में जाता है डेफिनेटली so 17 पार्ट ऑफ राइट टू इक्वलिटी और हमारा आंसर आ गया टी आई विल ऑल्सो शेयर विद यू ए स्मॉल ट्रिक टू मेमोराइज द डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ राइट टू इक्वेलिटी प्राइवली जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो इस फोटो से रिलेट कर पाएंगे सरदुल ठाकुर इज कोलोक्ली पॉपुलरली नेम्ड इज लॉर्ड सरदुल सो हम इसी के बेस्ट हमारा जो ट्रिक है वो है लॉर्ड इज आउट वेयर एल स्टैंड फॉर लॉ तो आर्टिकल फोर्टीन है जो बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देन आर्टिकल फिफ्टीन बोलता है देयर सेल बी एबसेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल सिक्सटीन टॉक्स अबाउट अपॉर्चुनिटीज इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देन आर्टिकल सेवेंटीन टॉक्स अबाउट अनटचच एबिलिटी दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड आर्टिकल एटीन टॉक्स अबाउट टाइटल्स तो ये एक शॉर्ट फॉर्म हमारा बन गया लॉर्ड इज आउट जिससे कि हम राइट टू इक्वेलिटी को याद कर सकते हैं वैसे ही आप बाकी राइट्स को भी डेफिनेटली याद कर लीजिए जिस तरीके से भी आपको याद हो अगर आसानी से याद हो तो आसानी से निमोनिक बना के याद हो तो निमोनिक बना के एंड सो ऑन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न अवार्ड के बारे में भारत रत्न एंड पदमा अवार्ड के बारे में दिस क्वेश्चन रिलेट टू आर्टिकल एटीन और पहला स्टेटमेंट भी यही है कि भारत रत्न एंड पदमा अवार्ड हर साल दिए जा रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि टाइटल्स नहीं दिए जा सकते तो अगर ये टाइटल होते तो हर साल अवार्ड कैसे दिए जा रहे होते का तो हर साल नहीं हो सकता है डेफिनेटली यह स्टेटमेंट गलत है स्टेटमेंट इज रॉन्ग नाउ नॉर्मली एक स्टेटमेंट अगर गलत हो जाता तो हमारा आंसर आ जाता बट यहां पर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट हमें देखना होगा कि कौन कौन से नॉट करेक्ट है तो बी इज रूल्ड आउट क्योंकि मैंशन नहीं करता है सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते पदमा अवर्ड विच वेर इंस्टीट्यूटेड इंडिया नाइनटीन फिफ्टी फोर वे आर सस्पेंडेड ओनली वंस Now, ये स्टेटमेंट पार्सली करेक्ट है कि पदमा अवार्ड्स वेयर इंस्टिट्यूटेड इन 1954 ये बात सही है लेकिन दे हैव बीन सस्पेंडेड ट्वाइस नॉट वंस पहली बार सस्पेंड किया गया था जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी 1978 में सेकेंड टाइम इट वाज सस्पेंडेड इन 1993 क्यों क्योंकि उस समय किसी ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करी थी कि ये जो अवार्ड्स हैं वो राइट टू तो इक्वलिटी को वायलेट करते हैं दे आर ए काइंड ऑफ टाइटल्स तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना जजमेंट दिया कि दीज अवार्ड्स आर नॉट गिवेन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट जो क्रिडेंशियल

इस केस में 2021 में यूपीएससी ने किया था सो uh, डेफिनेटली so आप कंसेप्चुअल बेसिस पे अगर आपको इन अवार्ड्स के बारे में इनकी हिस्ट्री के बारे में पता है तो एटलीस्ट आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे आपको जो डाउट रहेगा वो ए और डी में रहेगा द करेक्ट आंसर इज डी ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर इन करेक्ट नाउ आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि जितने भी फंडामेंटल राइट right के बारे में जो डिबेट्स हुए हैं उन डिबेट्स को आपको फॉलो करना चाहिए और उनमें क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है फाइनल स्टैंड क्या है ये आपको पता होना चाहिए दिस विल हेल्प यू आंसरिंग क्वेश्चन इज अबाउट राइट टू प्राइवेसी अगेन दिस इज ए क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन दी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2017 में पुट्टा स्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू प्राइवेसी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ उसी के बाद 2018 में नेक्स्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था और उस साल सारे ही लोगों के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये कि ये पार्ट है किसका इनफैक्ट अगर हम क्वेश्चन को ही सिर्फ अच्छे से पढ़ लें लिखा हुआ है राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रेनसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अब अगर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यहां लिखा हुआ है तो ये ऑब्वियस सी बात है आर्टिकल ट्वेंटी वन ही होगा तो इसके लिए आपको पुट्टा स्वामी जजमेंट नहीं भी पता हो सिर्फ आपका दिमाग एग्जाम के टाइम पे चल रहा हो इतना इंफॉर्मेशन है नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को दोबारा से यूपीएससी ने 2021 में रिपीट किया सेम इंफॉर्मेशन के राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के अंदर है आंसर इज नोन टू यू आर्टिकल 21 एंड लाइक like पुटा स्वामी जजमेंट के लिए कार्टून बहुत ही इफेक्टिवली डिटरमाइन करता है स्टेट धीरे धीरे हमारे पर्सनल स्पेस में इंटर करता जा रहा है इंट्रूड कर रहा है जो धीरे धीरे जिसको कई स्कॉलर लोग अब सर्विलेंस और स्टेट के नाम से भी बोलने लग गए हैं बिकॉज ऑफ द बेनिफिट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी विद द स्टेट्स, एंड नाउ द कोर्ट इज दैट देर इज अ राइट टू प्राइवेसी टू दीज पीपल नेक्स्ट क्वेश्चन is again about the supreme court interpretation of uh, this right to life which of the article safeguards one's right to marry the persons of one's choice and the supreme court ka hadia case mein judgment aaya the right to marry persons of one's choice is integral part of right to life and liberty or incidentally

राइट्स जो कि हम बुक में पढ़ते हैं बट ऑल्सो ऑन द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रटेशन जो अगर किसी भी फंडामेंटल राइट right का करंट अफेयर में कोई इंटरप्रटेशन हुआ है या पिछले दो तीन सालों में हुआ है तो उसके बहुत ही हाई चांसेस हैं कि यूपीएससी उस पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे अगर आपको सिंपली करंट अफेयर आपने फॉलो किया है तो विद इन फाइव सेकेंड यू कैन आंसर बबल मार्क करने में जितना टाइम लगे लगेगा वही टाइम लगेगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये है एक राइट right दिया हुआ है ये राइट right में कौन कौन से राइट right हैं तो अगेन सिंपली अगर आपने सारे राइट्स याद किए हैं तो आप इसको आंसर कर लोगे यहां पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन इसके कौन कौन से पार्ट हैं तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन का अगर आर्टिकल आपने याद किया होगा तो आर्टिकल ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर यही दो इसके पार्ट होते हैं आर्टिकल ट्वेंटी थ्री में बात की जाती है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स की आर्टिकल ट्वेंटी फोर में बात की जाती है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन फैक्ट्रीज एंड माइंस की तो ये दोनों वन एंड फोर तो हैं अभी अभी हमने पढ़ा कि एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है वो राइट तो टू का पार्ट है तो ये नहीं होगा इसका आंसर देन प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज ये कल्चरल एजुकेशनल राइट्स का पार्ट है आर्टिकल एंड थर्टी में जो है तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया सी वन एंड फोर ओनली नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक एप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चन है कि अगर कुछ ऐसा किया जाता है तो उसके क्या क्या इंप्लीकेशन होंगे और इसमें सिंपल है कि अगर किसी कम्युनिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटी का दर्जा दिया जाता है तो उसके क्या क्या स्पेशल एडवांटेजेस होंगे क्या इट कैन इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डेफिनेटली आर्टिकल थर्टी वन ये स्पेसिफिकली ये बात कहता है तो अगर हम सिंपली हमें आर्टिकल पता हो तो ये हमें पता चल जाएगा कि यस इट कैन बी डन दो हजार ग्यारह में क्वेश्चन आया था उस समय लोकसभा में नॉमिनेशन होता था बट वो सिर्फ एंग्लो इंडियन का होता था सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी का नहीं होता था दैट्स वाई नॉमिनेशन तो होना ही नहीं है ये अपने आप में ही गलत है थर्ड स्टेटमेंट इट के प्राइम मिनिस्टर्स दिस इज समिंग बेस्ड ऑन करेंट अफेयर टू थाउजेंड फाइव में यह प्राइम मिनिस्टर का फिफ्टीन पॉइंट प्रोग्राम शुरू हुआ था और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्यूनिटीज और ये क्वेश्चन दो हजार ग्यारह में पूछा गया था तो इससे हमारी लर्निंग ये है कि कुछ जो वलनरेबल सेक्शन के जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं वो पूछे जा सकते हैं और सिर्फ वही स्कीम याद नहीं रखने हैं जो अभी अभी लॉन्च हुए हैं कुछ ऐसे स्कीम जैसे स्कीम पाँच साल पहले लॉन्च हुआ था 2005 में फिर इसको पूछा गया 2011 में साल बाद तो आपको कुछ पुराने जो अभी भी चल रहे हैं उनको भी दिमाग में रखना है उनको भी याद रखना है अगेन स्कीम्स में यूपीएससी का डोमेन मोस्टली मिनिस्ट्री एंड पर्पस और कुछ स्पेशल फीचर तक ही लिमिटेड रहा है इट इज ए स्कीम विच इज वेल नोन स्कीम फ्लैगशिप स्कीम प्राइम मिनिस्टर फिफ्टीन पॉइंट प्रोग्राम वाज फॉर माइनॉरिटीज अगर किसी कम्युनिटी को माइनोरिटी डिक्लेअर करेंगे तो डेफिनेटली उस कम्युनिटी के लोगों को स्कीम का फायदा मिलेगा so, हमारा जो आंसर हो गया वो वन एंड थ्री वनली हो गया आप लोग कमेंट में ये बताओ कि इंडिया में अभी कौन कौन से कम्युनिटीज को माइनॉरिटी कम्युनिटी का दर्जा मिला हुआ है हमने हमने पिछले पिछले में, uh, in fact, वीडियो में भी हमने किया था कि शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा एड किया गया था उसमें भी हमने बात करी थी कि इस पर फर्दर डिटेल्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है और टू थाउजेंड में एक रिलेटिवली डिटेल्ड क्वेश्चन आया कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स पार्लियामेंट कैन प्लेस ए लॉ और इवन ए लॉ विच इज मेड बाई दवेंट स्टेट लेजिलेचर वैसे लॉ को भी डाला जा सकता है नाइन्थ शेड्यूल में तो ये वाली बात सही है सेकेंड स्टेटमेंट की वैलिडिटी ऑफ ए लॉ प्लेस्ड इन नाइन शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिंड बाई एनी कोर्ट ये ओरिजिनली सही थी ओरिजिनली इंटेंशन ही यही था कि वैसे लॉ जो लैंड रिफॉर्म के लिए बनाए गए हैं उनको जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट करने के लिए नाइन शेड्यूल में डाल दो बट केशवानंद on भारती जजमेंट के बाद जो भी लॉ उसमें डाले जाएंगे उनको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे जुडिशल रिव्यू किया जा सकता है इफ दैट लॉ इज वायलेटिव ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देन दैट कैन बी स्ट्रक डाउन देर इज नो ब्लैंकेट प्रोटेक्शन फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू तो नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट ये एक तरीके का एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ऐसे भी कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ जाए नो no. तो आपको डबल चेक करना चाहिए कोई एक्सेप्शन है क्या इज देर एनी एक्सेप्शन इफ देर इज एन एक्सेप्शन देन दिस एस्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग एक्सेप्शन इज देअर सो हमारा आंसर क्या हो गया वन वनली बर द रिलेवेंट केसेस ये जजमेंट वमन राव केस और आई आर कोयलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था तो आपको एक ना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की भी लिस्ट बनानी चाहिए और उनको धीरे धीरे करके आपको डेली बेसिस पे रट्टा मार के या जैसे भी हो याद कर लेना चाहिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे रिट्स मैंडमस रिट्स के बारे में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद ए पब्लिक ड्यूटी ऑब्वियसली बात है कि मैंडमस जो रिट है वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट मैंडमस so, का मतलब होता है वी कमांड तो आप कोर्ट में किसके अगेंस्ट कमांड करने जाओगे किसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट ऑर्गेजन गवर्नमेंट के अगेंस्ट करने जाओगे क्योंकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपका कोई राइट right है उस राइट right के लिए आप कोर्ट में जाएंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट सेकंड बोलता है कि विल नॉट लाई अगेंस्ट ए कंपनी इवन दो इट मे बी ए गवर्नमेंट कंपनी जब गवर्नमेंट कंपनी है तब तो लाई करेगा ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो आप जा ही सकते हैं कोर्ट में तो डेफिनेटली सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग आंसर तो यहीं पर आ गया सेकेंड के रॉन्ग होते ही हम, हमारा आंसर आ गया सी बट स्टिल गुड प्रैक्टिस आपको तीसरा स्टेटमेंट चेक करना चाहिए कि तीसरा स्टेटमेंट सही है कि नहीं ये आपके आंसर को या आपने जो पहले दो स्टेटमेंट में आंसर डिराइव किया उसको वैलिडेट करेगा लेट सी एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी ए पेटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑबेन द रिट ऑफ प्योर वारंटो नाउ ये अलग रिट है क्यों वारंटो का मतलब होता है वॉट इज अथॉरिटी आप किस अथॉरिटी से किसी पब्लिक पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं कोर्ट में जा सकता है इंपॉर्टेंट लर्निंग डिफरेंट रेट्स और उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है यह हमें पता होना चाहिए आई विल हेल्प यू हेर ए लिटिल बेट बा

फंडामेंटल राइट्स के बारे में या इन क्वेश्चन रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में से पूछें आई वुड बी हैप्पी टू आंसर यू इन द कमेंट और इन द नेक्स्ट वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक like करें और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तब तक के लिए टेक केयर